मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 दिसंबर 2022। कल बीओई एंड ईसीबी का रेट डिसीशंस था, जहां पे जीबीपी का फॉल हुआ है 1.2427 से 1.2156 तक, ऑलमोस्ट पौने तीन बिगी। यूरो में भी फ्रॉम हाई ऑफ 1.0736 टू लो ऑफ 1.0592। बैंक ऑफ इंग्लैंड रेजेस रेट्स टू 3.5%, एक्सपेक्ट्स मोर रेजेस टू कम। बीओई रेजेस रेट्स अगेन एज इन्वेस्टर्स लुक टुवर्ड्स द एंड ऑफ हाइक्स। यूरो गिव अप द गेन्स। Euro spikes then drops after hawkish ECB. Let's start with dollar index. Dollar index अभी है 104.42. ये आपका लो था 103.58, वहां से बाउंस बैक किया। यहाँ पे बेसिकली लॉन्ग टर्म में मंथली में इट्स अराउंड 60 from above and weekly में it's around 40. There are higher possibilities कि यहाँ पे consolidate करके थोड़ा सा bounce करना चाहिए। For that first indication should be ये जो trend line resistance है, इसके high के ऊपर close देना चाहिए। Dollar rupee अजीब प्राणी है, अपना ही मगन में मस्त। कल ये ओपन हुआ आपका 82.50 पे एंड हाई ऑफ 96 इन द यूएस मार्केट एंड फाइनली एट 82.84। अपने ही धुन में मस्त, मतलब परसों रात को आफ्टर एफओएमसी के बाद डॉलर इंडेक्स काफी नीचे आ गया था। यूरो डॉलर जीबीपी डॉलर काफी ऊपर आ गया था, फिर भी डॉलर भी नीचे एप्रिशिएट होने का कोई नामो निशान था नहीं। व्हाट दैट बीइंग द केस, यहाँ पे डॉलर भी अगेन आपका अगर आरएसआई टर्म्स में देखोगे मंथली अबोव 60, वीकली अबोव 60 एंड डेली इज आल्सो अबोव 60। यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस के बाद, दैट मीन द केस देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के ये ऊपर जाना चाहिए। उसके लिए कल का जो एनालिसिस था उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि 82.85 ऑन द हायर साइड एंड 82.15 ऑन द लोअर साइड इस रेंज के बाहर जाना चाहिए। तो हमें आज इंतजार रहेगा क्या ये 83 के ऊपर क्लोज देता है या नहीं। जीबीपी डॉलर कल हाई मारा था 1.2427 एंड अभी 1.2197। कल का मॉर्निंग एनालिसिस आप देखोगे तो वहां पे था कि करंट लेवल पे बाय नहीं करना चाहिए। उसका सो मेनी रीजंस था, उसका मेन रीजन था वीकली आरएसआई एट 60 एंड टेकिंग रेजिस्टेंस। दैट बीइंग द केस करंट लेवल पे बाय करना नहीं चाहिए था, दैट वाज आवर एंटीसिपेशन। एनी पुल बैक एंड टेकिंग सपोर्ट टुवर्ड्स द सेंटर बैंड वन मे टेक लॉन्ग पोजीशंस, बिल्ड लॉन्ग पोजीशंस। तो अब ये यहाँ पे आ चुका है। लोअर टाइम फ्रेम में आपका जो भी बाइंग सेटअप है सब्जेक्ट टू दैट बाइंग सेटअप वन में गो लॉन्ग। जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलर वही था कि रिट्रेसमेंट के बाद ही बाय करने से अच्छा रहेगा। सो अभी ऑलरेडी अच्छा खासा एक शार्प आपका रिट्रेसमेंट आ चुका है, जहां पे 102.56 से 100.79 तक ऑलमोस्ट टू बिगीज का एक रिट्रेसमेंट है। अभी हमें लोअर टाइम फ्रेम में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। यूरो डॉलर सिमिलरली वही था कि करंट लेवल पे बाई नहीं करके एक रिट्रेसमेंट के बाद बाई करना चाहिए। अभी लोअर लेवल पे जैसे ही बाइंग सेटअप आएगा वन में गो लॉन्ग। यूरो आईएनआर आपका है 88.16, कल ये हाई मारा था
88.78, उसके बाद लो ऑफ 87.75, एक बीगी का एक रेंज था, उसके बाद अभी फिर दोबारा ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। डॉलर येन 137.41, ये कल लो मारा था आपका, कल नहीं आफ्टर एफएमसी रेट डिसीजंस जो लो मारा था 134.50, एंड कल ये अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, एंड हमारा जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जाके क्लोज दिया है। अभी प्राइसिंग डेली और आवरली बेसिस पे हायर है, हायर लो जैसे ही बनता है वन में ट्राई टू बिल्ड लॉन्ग ऑन ए मीडियम टाइम फ्रेम। येन आईएनआर पे 60.26, यहाँ पर भी अभी आपका थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे आरएसआई जो है ये रेजिस्टेंस ले रहा है एट 60। दैट इन द केस हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए उसका मेन, और ये एक रेंज बनाया हुआ है आपका फ्रॉम हियर टू हियर, इस रेंज को क्लियर करना चाहिए तभी जाके हमें कुछ पोजीशंस बिल्डअप के लिए सोचना चाहिए। डॉलर कैंडल 1.3641, आप देखोगे परसों का एफओएमसी के बाद एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल था, हमें इंतजार था एक रेड कैंडल जो ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे, जो हुआ नहीं, एंड कल उल्टा बाउंस बैक किया। सो यहाँ पे अभी हमें वही एक रेंज है 1.37 ऑन द हायर साइड एंड 1.35 ऑन द लोअर साइड, इस रेंज से बाहर होना है। ऑसी डॉलर आपका अच्छा खासा करेक्शंस हुआ, कल का हमने एक ट्रेंड लाइन ऊपर में भी एंड नीचे में भी डाला था, इसके रेंज के बाहर के लिए इंतजार था। कल एक ही झटके में ये इतना बड़ा बियर कैंडल बना चुका है। दैट बीइंग द केस अभी हमें थोड़ा सा लॉन्ग के लिए सावधान होना चाहिए। डॉलर से यानी 6.97, अब ये जो रेंज था रेंज के बॉटम से ही एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। अभी ये जो रेंज एक नीचे का एक ऊपर का है, इस रेंज से बाहर होना पड़ेगा डॉलर सीएनएच को, तब जाके हम कुछ एक बढ़िया सा ट्रेडिंग सेटअप ढूंढ सकते हैं। यूके ऑयल 81.29, आपका ये जो रेजिस्टेंस जोन था आपका 81 एंड 83, इस हायर एंड पे कल रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। अभी थोड़ा सा हमें केयरफुल होना है बिकॉज डेली आरएसआई देखो, ऐसा ना हो कि इस टाइप का सपोर्ट लेके फिर दोबारा हो जाए, देन ये डेली टाइम फ्रेम पे रेंज शिफ्ट बनाने का प्रयास कर सकते हैं। सो हमें थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी 3.47, ये बॉटम लेवल से बॉटमिंग आउट करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम में हायर लो बनाना चाहिए, देन एंड ओनली देन वी कैन थिंक अबाउट सम लॉन्ग पोजीशंस, अदरवाइज थोड़ा सा अलर्ट एज ऑफ नाउ। करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।